Hi guys, hope you all are doing well. Today I'm going to tell how to post a job on Naukri.com. This will be very helpful to those who want to make their career in HR and who have recently started their career as recruitment consultant. So let's start the video. If you are new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe. सबसे पहले हम Naukri.com पे जाएंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉयर जोन से लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं होम, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज, रेसडेक्स, RMS, रिपोर्ट, रेफरल एंड IJP। अगर हमें जॉब पोस्ट करनी है तो हम जाएंगे जॉब एंड रिस्पॉन्सेज पे। यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, पोस्ट अ हॉट वैकेंसी, पोस्ट अ क्लासिफाइड, पोस्ट अ प्राइवेट जॉब, पोस्ट अ रेफरल जॉब, पोस्ट एंड इंटरनल जॉब, मैनेज जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे हम क्लासिफाइड में पोस्ट करेंगे। मैं बाद में आपको डिफरेंस बताऊंगी कि हॉट वैकेंसी और क्लासिफाइड में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कुछ जॉब हमने पहले से पोस्ट की होंगी, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर हमारे पास वही जॉब रोटेट हो रही है तो हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। अगर हमें कोई नई जॉब है, नई पोस्ट करनी है, तो हम यहाँ पे, ये है आपकी जॉब पोस्टिंग हेडलाइन। यहाँ पे हम पोजीशन का टाइटल मेंशन करेंगे। ये हमारे पास JD है, यहाँ से हम पोजीशन का टाइटल ले लेंगे और यहाँ पे हम पोजीशन का टाइटल मेंशन कर देंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। लोकेशन मेरी नोएडा है तो हम नोएडा मेंशन कर देंगे। और मुझे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो CA फर्म से चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, जिससे कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले मेरी स्पेसिफिकेशन दिखेगी कि मुझे क्या चाहिए, ताकि रेलिवेंट डेटा ना आए। अब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे क्या है, 250 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो हमें 250 वर्ड्स ही लेने हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 250 वर्ड्स ही लें। तो हम यहाँ से 3 लाइन ही कॉपी करेंगे, 3 लाइन ही सफिशिएंट रहेंगी पोस्ट करने के लिए। उसके बाद में ये कैंडिडेट प्रोफाइल है, यहाँ पे कैंडिडेट की स्पेसिफिकेशन की हमें क्या चाहिए। हम एक काम करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं आ सकते, यहाँ पे भी लिमिट है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब आते हैं की स्किल्स पे, ये भी मैंडेटरी है, तो हम इस प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे वो कीवर्ड्स यूज करने हैं जिससे कैंडिडेट जॉब सर्च करते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ही डालेगा। स्टेट ऑडिट से रिलेटेड है तो स्टेट ऑडिट भी डाल सकता है। NDS चाहिए तो NDS से भी वो सर्च कर सकता है कैंडिडेट। हम यहाँ पे CA से भी कर सकते हैं, क्योंकि CA से भी कर सकता है कैंडिडेट सर्च। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस जो हमें रिक्वायर्ड है वो एक्सपीरियंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे सैलरी मेंशन करेंगे, यहाँ सैलरी रुपीज़ में और डॉलर में है। हम इंडिया के लिए हायर कर रहे हैं तो हम सैलरी यहाँ पे रुपीज़ में मेंशन करेंगे। हम 5 लाख टू 10 लाख ले लेते हैं। कैंडिडेट से हाइड करनी है तो हम हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ हमें लोकेशन मेंशन करनी है, हमारी लोकेशन नोएडा है, नोएडा सेलेक्ट करना है। अगर हमें एक से ज़्यादा लोकेशन के लिए हायर करना है तो हम अदर लोकेशन यहाँ मेंशन कर सकते हैं।
अगर हमें लोकेलिटी पता है तो हम यहाँ लोकेलिटी भी डाल सकते हैं, जिससे इररेलीवेंट CVs नहीं आएंगे। जो इस लोकेशन के लिए कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें इंडस्ट्री मेंशन करनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो हमको अकाउंटिंग सेलेक्ट करना है। फंक्शनल एरिया में अकाउंट सीट सेलेक्ट करना है। रोल में यहाँ पे डिफरेंट रोल दे रखे हैं, जो हमारा मैचिंग रोल है सिर्फ वही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ रेफरेंस कोड में हम कुछ भी रेफरेंस डाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, लाइक CA 1 2, नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ मेंशन करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमारी क्वालिफिकेशन किस तरह की रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, PhD, हमारी रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन में CA की, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर हमें CA के साथ में और कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम इस जगह पे ऐड कर देंगे। अगर हमें वॉक इन कराने हैं तो हम इस बॉक्स को चेक कर देंगे, अगर नहीं कराने तो अनचेक ही रहने देंगे। अगर हमें क्वेश्चनायर ऐड करना है कि हमें कैंडिडेट से क्या क्या पूछना है, क्या क्या कैंडिडेट अप्लाई करे उससे पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम यहाँ पे वो क्वेश्चंस ऐड कर देंगे। यहाँ कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है, जिससे कैंडिडेट को पता रहे कि वो किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद में कंपनी एड्रेस, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है नोएडा में, वो हम एड्रेस डालेंगे, पूरा डालना है पूरा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पूरा नहीं डालना तो आप शॉर्ट में भी डाल सकते हो। उसके बाद में ये रिक्रूटर डिटेल, ये वो रिक्रूटर डिटेल है जो नौकरी पे प्रोफाइल बनाया जाता है, लाइक लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क। उसके बाद में रिसीविंग मैचिंग अप्लाइज ऑन ईमेल, आपको किस ईमेल आईडी पे रिस्पॉन्सेज चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी naukri.com की तरफ से ऐड की जाती है, हम इसमें कोई मेल आईडी ऐड नहीं कर सकते। शेयर दिस जॉब विद अदर सब यूजर्स, अगर हमारे लिए ये जॉब कॉन्फिडेंशियल है और अदर कुलीग्स के साथ शेयर नहीं करना तो हमें इसको अनचेक ही रहने देना है। अगर हमें लगता है कि ये जॉब हम और कुलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो हम इसको चेक मार्क कर सकते हैं। ये फिल्टर्स हैं जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, इन्हीं बेस पे आएंगे, आप फिल्टर लगा सकते हैं जिससे रेलिवेंट रिस्पॉन्सेज कम आएंगे, कैंडिडेट को का भी टाइम सेव होगा और हमारा भी टाइम सेव होता है। इसमें हम एक्सपीरियंस का फिल्टर लगा सकते हैं, सैलरी का लगा सकते हैं, लोकेशन का लगा सकते हैं, इंडस्ट्री का लगा सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लगा सकते हैं। उसके बाद में प्रीव्यू एंड पोस्ट, यहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपकी जॉब पोस्ट होने के बाद में कैंडिडेट को कैसे दिखेगी। अब जो फाइनल स्टेप रहता है दैट इज़ क्लिक ऑन पोस्ट जॉब। पोस्ट जॉब पर क्लिक करने के बाद में ये जॉब लाइव हो जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।